अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल की, जो कि रिस्क एंड रिटर्न का लास्ट पार्ट है। और इस रिस्क एंड रिटर्न चैप्टर को आज हम वाइंड अप करने वाले हैं। और आज कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल को आज हम उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके अजम्पशन डिस्कस करेंगे और उसके में क्वेश्चन उसके डिस्कस करेंगे, फार्मूला और उसके क्वेश्चन करेंगे, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल क्या होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल की। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग एक मॉडल है बेसिकली, ठीक है, एक मॉडल है। जो मॉडल क्या काम करता है, जो कि कैपिटल एसेट जितने भी हमारे कैपिटल एसेट्स होते हैं उनकी प्राइसिंग करता है। प्राइसिंग करना क्या होता है कि उसकी प्राइस को डिफाइन करता है कि जो कैपिटल सिक्योरिटीज होती हैं, जो कैपिटल स्टॉक होता है आपके, उसकी सिक्योरिटी, उसकी जो प्राइसिंग है उसको करता है। उस मॉडल को हम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल कहते हैं। सबसे पहले तो आपने ये माइंड में रखना है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ भी मैं आऊंगा और आपको इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल एक रिलेशनशिप शो करता है। किसका रिलेशनशिप शो करता है? एक एक्सपेक्टेड रिटर्न का और रिस्क का। रिस्क इसमें कौन सा होता है? इसमें सिस्टमैटिक रिस्क होता है, नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क होता है, जिसको बीटा मेजर करता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बीटा किस तरह से काम करता है, इसलिए मैंने आपको पहले वो बीटा करवा दिया। अभी रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स, सिक्योरिटीज एंड पोर्टफोलियो। ये इंडिविजुअल एसेट्स को भी मेजर करेगा, सिक्योरिटीज को भी और पोर्टफोलियो को भी मेजर करेगा। और रिलेशनशिप को शो करता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और सिस्टमैटिक रिस्क का, कि रिस्क कितना है और उस सिक्योरिटी के लिए रिटर्न कितना होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके पास अगर रिस्क है 10%, सपोज कर लें आपको 10% रिस्क है और आपको पता है कि आपका सिस्टमैटिक रिस्क इतना है या आपको रिस्क इतना है किसी भी पोर्टफोलियो में, किसी भी एसेट में, तो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए? आपका रिक्वायर्ड रिटर्न ऑब्वियसली 15% आपको रिक्वायर करना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उसके रिलेशनशिप को शो करता है रिस्क कितना होना चाहिए। और फिर जब ये दो चीज़ें आपको पता होती हैं, रिलेशनशिप का पता होता है, तो फिर आप उस एसेट्स की प्राइसिंग ईजिली कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको ईजिली समझाता हूँ। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाएं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने इसको माइंड में रखना है। इफ वी नो रिस्क, अगर आपको रिस्क का पता हो तो वी कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसको कहते हैं? जब आप स्टॉक की प्राइस को या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। स्टॉक पे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट किया जाता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो डेट पे किया जाता है उसको भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही कहते हैं, लेकिन उसको कॉस्ट ऑफ डेट कहते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, आपको ऊपर कार्ड भी शो हो रहा होगा, इसमें जाके आप उसको देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता लग जाती है अगर आपको रिस्क पता हो। If we know the cost of capital, अगर आपको cost of capital का पता हो, तो we can find the net present value of the project। आप उस project की net present value को find out कर सकते हैं। बहुत ही मजे की बात है कि अगर आपको net present value find out पता हो, if we know the net present value, then we can find out the value of project। तो आप उस project की value को find out कर सकते हैं, ठीक है। Risk का पता होगा तो cost of capital को find out कर लोगे, cost of capital का पता होगा तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू का पता होगा तो आप जो है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और अगर इफ द फर्म चूजेस द बेस्ट प्रोजेक्ट, और अगर फर्म बेस्ट प्रोजेक्ट चूज कर लेती है अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न के अकॉर्डिंग वो एक अच्छा प्रोजेक्ट चूज कर लेती है, तो क्या फायदा होगा? इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, आपकी जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है उस कंपनी की वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है बेसिकली कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल आपका, कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में। जो आपकी रिस्की सिक्योरिटीज होती हैं उसके रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल यूज करते हो, ठीक है। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे। फिर कैपम की एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कैपम विल अलाउ यू टू डिटरमिन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर एनी रिस्की एसेट्स। जितने भी रिस्की एसेट्स होते हैं उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए हम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल को यूज करते हैं, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको पता चल गया कि हम क्यों फाइंड आउट करते हैं बेसिकली कैपम को, क्योंकि उसमें रिस्क आइडेंटिफाई होता है। रिस्क आइडेंटिफाई होने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने फाइंड आउट करनी होती है, जो कि सिक्योरिटीज की जो कॉस्ट होती है, एसेट्स की कॉस्ट होती है, उसको फाइंड आउट करना होता है, तो वो हमें पता चलती है। इसके लिए कैपम के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? रिस्क फ्री रेट चाहिए होता है, एक्सपेक्टेड मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है, और मार्केट बीटा। मार्केट बीटा आपको बीटा हो गया, ये मार्केट रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हो गया। और रिस्क फ्री एसेट्स लाइक ट्रेजरी सिक्योरिटीज,
आर ट्रेजरी बिल्स होते हैं, यूएस ट्रेजरी बिल जो हैं उस पर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है, ये रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे चाहिए होती हैं। जब फॉर्मूला कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर लो रिस्क होगा तो लो रिटर्न होगा, हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न होगा। ये तो बात आपकी क्लियर होगी। अब हम बात करेंगे इसकी अजम्पशंस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल की पहले समझ आए, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन और फॉर्मूला के साथ करवाता हूँ। अजम्पशंस ऐसी चीज़ें हैं जो कि कैपिटल एसेट्स मॉडल को ट्रू साबित करती हैं। अगर ऐसा होगा तो आपका कैपिटल एसेट मॉडल जो है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। क्या कहें, रिस्क टेकन, जो भी लोग हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो रिस्क टेकर होने चाहिए। अगर वो रिस्क टेकर्स नहीं होंगे, वो रिस्क नहीं लेंगे, तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्लाई नहीं होगा। वो रिस्क ही नहीं लेना चाहते तो फिर वो कहाँ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। रिस्की सिक्योरिटीज के अंदर तो फिर किस चीज़ की प्राइस को डिफाइन करोगे आप, तो रिस्क टेकर्स होने चाहिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन। जो परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन है वो कैसे होनी चाहिए, लिखा है मैंने इन्फिनिटी डाइविजिबल यूनिट्स। इन्फिनिटी डाइविजिबल यूनिट्स का मतलब क्या है, आपको अगर सपोज करें कि आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो 10, 20, 30 इस तरह आप या तो 10 शेयर खरीद सकते हैं, 20 खरीद सकते हैं, या 30 का स्टॉक खरीद सकते हैं, 10 के मल्टीप्लायर में आप खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहें 59 तो आप नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिट्स अगर आपके डिविजिबल, जितने कोई सिक्योरिटी खरीदना चाहे 59, 58, 57, 40, 41 जितने कोई खरीदना चाहे उतने वो खरीद सकता हो, बाय कर सकता हो। ये इस तरह से यूनिट्स को डिफाइन किया जाना चाहिए, इन्फिनिटी डिविजिबल यूनिट्स होने चाहिए। परचेज एंड सेल ऑफ ट्रांजेक्शन में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि इस तरह से खरीदेंगे 50 खरीदेंगे तो 100 ही खरीद सकते हैं या 150 खरीद, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ आएगी आपको। फिर है नो टैक्स नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अगर टैक्स नहीं होगा, डेफिनेटली सी बात है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको टैक्स ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी बियर करनी पड़ती है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या होती है, आप डायरेक्ट तो अब जाके स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं कर रहे, आपको डेफिनेटली हेल्प लेनी पड़ती है ब्रोकर की, ठीक है। तो ब्रोकर फी चार्ज करता है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फिर हमारे पास है नो टैक्स। टैक्स कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखें जब आप कोई भी सिक्योरिटी बैंक के थ्रू आपकी पेमेंट या ट्रांजेक्शन होती है तो उस पर टैक्स चार्ज होता है। तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल वहां पे अप्लाई नहीं होता अगर आपको टैक्स हो वहां पे या फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही हो, तो वहां पे कैपिटल एसेट्स मॉडल जो है वहां पे अप्लाई नहीं होता। फिर है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारों को एक जैसी अवेलेबल होनी चाहिए, वहां पे कोई भी दो नंबरी या इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि कुछ इंफॉर्मेशन दूसरों को पता है, सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो कुछ लोग उस सिक्योरिटीज को पहले ही खरीद लेते हैं और जब वो उसके प्राइस अप होती है तो उनको बहुत ज्यादा फायदा होता है, बाकियों को कोई फायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो परफेक्ट कंपटीशन वहां पे नहीं होता, हर चीज स्मूथ होनी चाहिए, सबके पास इक्वल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इक्वल सिस्टम होना चाहिए, वहीं पे परफेक्ट कंपटीशन होगा, तभी कैपिटल एसेट्स मॉडल जो है वो अप्लाई होगा। इन्वेस्टर शुड बी रैशनल। इन्वेस्टर का जो पहला पर्पस है वो पैसा अर्न करना हो, उसका पर्पस जो है वो वेल्थ को इंक्रीज करना हो, तभी वो मॉडल वहां पे अप्लाई हो सकता है ये वाला, ठीक है। अगर वो रैशनल ही नहीं होगा, वो रिस्क लिए जा रहा है ऐसी सिक्योरिटीज में कि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो पैसा को अर्न करे, तो इसका मतलब ये है कि वो रैशनल नहीं है, ठीक है। फंड्स आर अवेलेबल एट लेस एट रिस्क फ्री रेट। जो फंड्स हैं, इन्वेस्टर कैन बोरो एंड लेंड फंड एट द रिस्क फ्री रेट पे, उसके लिए फंड्स अवेलेबल होने चाहिए, फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि रिस्क फ्री रेट पे अवेलेबल ना हो, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की जो अवेलेबिलिटी है सबके लिए सेम होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि जब हम बजट बनाते हैं तो बजट बनाते वक्त क्या होता है कि कुछ लोग जो बजट बना रहे होते हैं उनको पता है कि मार्केट पे ये इंपैक्ट करता है, तो अगर वही लोग इन्फॉर्मेशन को लीक कर देंगे, कुछ लोगों को बता देंगे, तो वो उससे फ़ायदा उठा लेंगे, बाकियों को वो इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी। इन्फॉर्मेशन सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए और सबको एक ही टाइम पे मिलनी चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए फॉर ऑल। फिर लिक्विडिटी, मार्केट ऐसी हो कि जहाँ पे लिक्विडिटी हो, सेल एंड परचेज हो सकती हो, ट्रांजेक्शन इजीली सेल एंड परचेज हो सकती हो, लिक्विड हो, जब आप बेचना चाहें सेल करना चाहें तो वहाँ पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए, उस स्टॉक को आप सेल एंड परचेज कर सकते हो, लिक्विडिटी होनी चाहिए। ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, कैपम के अंदर हम ओनली सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करते हैं,
नॉन सिस्टमैटिक रिस्क की हम बात नहीं करते, इसमें सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं, वहीं पे ही ये कैपिटल एसेट्स मॉडल जो है वो अप्लाई होगा। तो ये सारी की सारी उसकी अजम्पशंस हैं, अगर ये होंगी तो ही कैपिटल एसेट्स मॉडल जो है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज कैपिटल एसेट्स मॉडल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे हमने बात कर ली, अब इसके बाद जो है वो हम जो है वो क्वेश्चन और फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। अब हम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के क्वेश्चन को कर लेते हैं। कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का ये फॉर्मूला है मेरे पास जो यहां पे मैंने नोट किया है, इसको मैं आपको बता देता हूं क्या है। RI का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इसको आप RI को आप KI भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स के अंदर KI लिखा होगा, कुछ RI लिखा होगा, आप इसको जो भी जिस भी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहे कर सकते हैं। RI का मतलब ऐसे क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम इसको कह सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी हम कह सकते हैं ऑफ स्टॉक्स। तो ये बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के अंदर कि हम स्टॉक्स को का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो RI रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट, ठीक है, प्लस बी है बीटा ऑफ एसेट, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कैपम मॉडल के अंदर बीटा एक पार्ट के तौर पर रोल प्ले करता है जो कि सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है। ठीक है, तो ये बीटा है बेसिकली मल्टीप्लाई बाय, RM का मतलब है मार्केट रिटर्न, जो मार्केट में रिटर्न मिल रहा होगा, माइनस RF रिस्क फ्री। ठीक है, तो हमारे क्या क्या चीज चाहिए, एक बीटा चाहिए, एक RM चाहिए और एक आपको RF चाहिए, तीन चीजें हों तो आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइंड आउट करते हो ऑफ एनी स्टॉक ऑफ द रिस्की सिक्योरिटीज का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस मैंने आपको पहले समझा दी है। तो अब ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैंने आपकी बुक से लिया, गिटमैन की, क्वेश्चन नंबर 24 है, केसेस हैं ABCDE आपके पास हैं, और RF भी दिया गया है, मार्केट रिटर्न भी दिया गया, RM भी और बीटा भी दे दिया गया आपको, ये पांच केसेस हैं, दो मैं करवा देता हूं बाकी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अच्छा, यहीं पे आप देख लेते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहां पे हम फाइंड आउट करेंगे केस ए को। ठीक है, केस ए हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास फॉर्मूला RI हमने फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, RF हमें चाहिए सबसे पहले, RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट केस ए में कितना है 5%, तो यहां पे हम लिख लेंगे 5%। ठीक है, उसके बाद क्या है, साइन प्लस का साइन है, ओके, फिर हमारे पास हमें क्या चाहिए, बीटा, बीटा हमारे पास ये पड़ा है केस ए का 1.30, ओके, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट है RM मार्केट रिटर्न जो क्या है 8%, तो 8 हमारे पास आ गया माइनस RF 5%, ये आ गया 5%। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे जी, ये RI है हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये आ गया 5% प्लस, अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 8% में से 5 को निकाल दें बाकी कितने बच जाएंगे 3, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.30 से, 1.30 एग्जाम में आपने जो है इसको कंप्लीट तरीके से ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ था 3 मल्टीप्लाई बाय 1.30, तो ये आ गया 3.9 प्लस है हमारे पास 5, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा कितना आ जाएगा 8.9%। ये हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट कर लिया किसका, केस ए का, केस ए का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 8.9%। इस तरह से हमने कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में ये अब हमने क्या फाइंड आउट किया है, ये हमने कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लिया है, रिलेशनशिप जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि बीटा का रिलेशन, और हमने ये मार्केट रिटर्न भी आ गया, और हमारे पास जो है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमने फाइंड आउट किया किसके कॉम्बिनेशन से, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से और बीटा के कॉम्बिनेशन से सिस्टमैटिक रिस्क से। तो इस तरह से हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करेंगे किसी प्रोजेक्ट पे हमें या किसी एसेट पे हमें इतना रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिए, ठीक है, तो ही हमारा इक्विलिब्रियम में हम जाएंगे। तो ये हमने बेसिकली फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब केस बी है, केस बी का भी हम इसी तरह से सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, यहां पर मैं आपको केस बी का सॉल्व करवा देता हूँ। केस बी के अंदर अब हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, सबसे पहले हमने RI फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, RF चाहिए जो कि है 8%। ठीक है, तो 8% आ गया हमारे पास, प्लस है बीटा चाहिए, बीटा हमारे पास है इसमें 0.90, तो ये आ जाएगा 0.90। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, RM चाहिए, ये है हमारा RM 13%।
ठीक है 13% माइनस रिस्क फ्री है 8%। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 8% प्लस, अभी यहाँ पे 13 माइनस 8 5 बच गए, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.90 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4.5। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें ब्रैकेट में, यहीं पे हटा देता हूँ, डायरेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12.5%। ये हमारे पास जो है वो केस बी का जो है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। जितने भी केसेस हैं, जितने भी पोर्टफोलियो आए, एसेट्स आए, सिक्योरिटीज आए, उनका जो हमने रेट फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो इस तरह से फाइंड आउट करना है। और कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के अंदर हम फाइंड आउट ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न करते हैं कि इस एसेट्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो बीटा बताया है, पार्ट 5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि बीटा कोएफिशिएंट में आपको कैपम के साथ बता दूंगा। उसकी वजह यह थी कि बीटा कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सबसे पहले देख लें, ये है बीटा, मैंने आपको बताया था बीटा कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला होगा। आरआई का मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस रिस्क फ्री डिवाइडेड बाय मार्केट रिटर्न आरएम माइनस आरएफ रिस्क फ्री, ये है। तो उस वक्त हमने कैपम नहीं किया था और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास नहीं था। अब हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन आए कि इस तरह से ही क्वेश्चन आ जाता है सपोज करें, और आपको कहा जाए बीटा कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें, तो इसका मतलब आपके पास सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। अगर आपको गिवन हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको ये चीजें गिवन होंगी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी, रिस्क फ्री भी और मार्केट रिटर्न भी। तो आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से रिस्क फ्री रेट को माइनस करना है, डिवाइड कर देना है आरएम मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट पे, तो आपके पास बीटा कोएफिशिएंट आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 8.9%, यहां पे अगर मैं हम बीटा कोएफिशिएंट फाइंड आउट करें सपोज करें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8.9%। ठीक है, और हमें माइनस रिस्क फ्री रेट, मैं यही इसी को एग्जांपल लेता हूं, रिस्क फ्री रेट मेरे पास है 5% आ गया। ठीक है, डिवाइड मैंने किसके पे करना है, आरएम पे, आरएम मेरे पास कितना 8%, तो ये 8% आ गया माइनस रिस्क फ्री कितना है 5%। तो इसका मतलब है मैं यहां पे इसको प्लस माइनस करके डिवाइड करके मैं बीटा कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यही बेसिकली हमारा रिस्क एंड रिटर्न का चैप्टर था, और ये सारे का सारा हमारा कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल का आज का लेक्चर था। रिस्क एंड रिटर्न का जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें यहां समझ नहीं आई, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें और अपना प्यार इस तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।